अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाज़मीन की ईद फीकी पड़ने का इम्कान है। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने ईद पर पेशगी तनख्वाह देने से माजरत कर ली है। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को तफसीली नोट भिजवा दिया है। महकमा खजाना के मुताबिक सूबे के अकाउंट 1 में सिर्फ 13 अरब रुपये मौजूद हैं। तनख्वाहों के कुल अखराजात 45 अरब रुपये हैं। KP के सरकारी मुलाज़मीन की ईद फीकी पड़ने का इम्कान। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने ईद पर पेशगी तनख्वाह देने से माजरत कर ली। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को तफसीली नोट भिजवा दिया है। महकमा खजाना के मुताबिक सूबे के अकाउंट 1 में सिर्फ 13 अरब रुपये मौजूद हैं। तनख्वाहों के लिए कुल अखराजात 45 अरब रुपये हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाज़मीन की ईद फीकी पड़ने का इम्कान है। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने ईद पर पेशगी तनख्वाह देने से माजरत कर ली है। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को तफसीली नोट भिजवा दिया है। महकमा खजाना के मुताबिक सूबे के अकाउंट 1 में सिर्फ 13 अरब रुपये मौजूद हैं। तनख्वाहों के कुल अखराजात 45 अरब रुपये हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाज़मीन की ईद फीकी पड़ने का इम्कान है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, बताइएगा क्या मामला है ये? ऐसा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो महकमा खजाना है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को एक नोट जारी किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे पास इस मरतबा जो इनका अकाउंट 1 है सैलरी का, उसमें हमारे पास सिर्फ 13 अरब रुपये पड़े हैं, जबकि मुलाज़मीन को तनख्वाह और पेंशन की मद में 45 अरब रुपये दरकार हैं। तो महकमा खजाना ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि हमारे पास इस मरतबा ईद पे पेश की पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकती। मतलब वो ईद पे अदायगी नहीं कर सकते, और 20-25 के बाद जब विफाक से इनके पास जो रकम आएगी, जो 20-25 अरब रुपये हैं, तो अगले माह जो 1 मई है, उनको मामूल के मुताबिक मुलाज़मीन को तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी। इस सिलसिले में महकमा खजाना ने मजीद भी बताया है कि इस वक्त हमने आटे की बहरान पर काबू पाने के लिए कोई 20 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। इस तरह ला एंड ऑर्डर के लिए हमने 1 अरब 30 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। तो हमारे पास मजीद पैसों की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है कि इस सिलसिले में सरकारी मुलाज़मीन को हम तनख्वाहें अदा नहीं कर सकते, तो इस पर हमें गाइड कर दें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून आपका।